दोस्तों अपने पड़ोस में एक कॉमेडी की दुकान है, नहीं समझे, अरे पाकिस्तान है। एक तो पाकिस्तान बाढ़ से, पानी से कंगाल हो गया है, बदहाल हो गया है। ऊपर से पाकिस्तान का मीडिया जो है पानी में लोट लोट के रिपोर्टिंग कर रहा है, नालों में लोट लोट के रिपोर्टिंग कर रहा है, जो है शदीद मुश्किलात का सामना है, तो बहुत ही अबतर सूरत हाल है। मुझे लग रहा है ये कुदरत की मार कम और इनके कर्मों का फल ज्यादा है। सही पकड़े हैं। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान पे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बरसों से कटोरा हाथ में लिए दुनिया के सामने मदद मांगता पाकिस्तान आज जबरदस्त बाढ़ की वजह से बदहाल हो गया है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, और अब स्थिति ये आन पड़ी है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ऐसे में एक डायलॉग है, अपने सबसे पहले घबराना नहीं। दोस्तों पाकिस्तान में सब कुछ तहस नहस हो गया है, $1,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, और कुछ लोग तो कह रहे हैं इससे भी ज्यादा हुआ है, जिसका अभी तक कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। करीब 3.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, लगभग 20,000 लोग से ज़्यादा की जान जा चुकी है, कितने सारे जीव जंतु पशु मारे जा चुके हैं, और 10,00,000 घर तबाह हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंध में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पंजाब में कहर ढाया हुआ है। पहले से महंगाई की मार झेलता पाकिस्तान आज दाने दाने के लिए मोहताज है, इसीलिए पाकिस्तान ने बिना कहे भारत के रहमो करम की भीख मांगी है। मजे की बात यह है, पाकिस्तान का वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि भारत से हमें सब्जियां और खाद्य सामग्री मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। कि हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के लैंड बॉर्डर से अगर हम ले सके तो हमको कुछ ना कुछ सब्जियां ले लेनी चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जिन इस्लामिक देशों ने भारत में नबी के सामने कथित गुस्ताखी को लेकर अभियान चलाया था, उनसे और खासकर लंगोटिया दोस्त तेरा जो है चीन और तुर्की, उनसे मदद मांगना वे भिखारी। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? भारत के ट्रक अगर सामान लेके जाएंगे, क्या पता तुम वापस जैसे अफगानिस्तान में हवाई जहाज के पीछे लटक के जा रहे थे, ट्रक के पीछे लटक के 2-4 स्लीपर सेल और आतंकी भेज दो। ना भैया ना, हम ऐसा रिस्क क्यों ले। पाकिस्तान की हालत पर बोलने की बजाय राणा अयूब जैसे कट्टरपंथी ईदगाह में गणेश पूजन के खिलाफ बिलाप कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हुए भारत पर ही तोहमत लगा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं करता, जबकि खुद पाकिस्तान के लिए दुआ मांगने की नमाज भी नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है खुदा भी अब दुआ कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने कुकर्मी इतने कर रखे हैं, आतंकी इतने फैला रखे हैं, मगर क्या पाकिस्तान अपने गिरेवान में झाँक कर देखेगा कि कहीं ये तबाही उनके कर्मों का ही फल तो नहीं है। आज की डेट में टमाटर 500 रुपए, प्याज 400 रुपए, आलू 120 रुपए, वीडियो देखिए आप पाकिस्तानी में। दाम भी आसमान पर जा पहुंचे हैं। 60 रुपए किलो वाला टमाटर 350 रुपए किलो हो गया है, और 80 रुपए किलो वाली प्याज 350 रुपए में फरोख्त हो रही है। शिमला मिर्च 360 रुपए फी किलो और फूल गोभी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। दुकानदारों ने नर्ख मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया है और कहते हैं कि वजह सैलाब है। ये लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन हाँ, सजाए मौत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे कि नहीं, जिहाद रहना चाहिए, चाहे रोटी मिले चाहे ना मिले। इसी सभी के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पाकिस्तान की बाढ़ के लिए अफसोस जता दिया और पीड़ितों के लिए संवेदना प्रकट कर दी, जिसके लिए शहबाज शरीफ ने धन्यवाद कहा। मजबूरी शहबाज शरीफ की ये है कि कैसे कह दें मोदी मेरे बाप, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। गजब बेइज्जती है। कुछ नमूने कह रहे थे भारत श्रीलंका की राह पर है। अजी भैया, भारत तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में ब्रिटेन को पीछे कर दिया, 5वें नंबर पे आ गया भारत का जीडीपी। और एक खुशखबरी है भारत के लिए, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है भारत, और ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर पर भारत पहुंच गया है। अब तुमको क्या है, कुछ भी बकते रहो, कुछ भी बकते हो, बात तो सही है। पर चमचों का कहुआ कभी सच तो होता नहीं, चमचे चमचे ही रहेंगे। रही बात पाकिस्तान की, तो भैया आपने कुकर्म इतने ज़्यादा किए कि मुझे लग रहा है इस बार कोई आपको नहीं बचा पाएगा। आपके यहाँ झीलें जैसी बननी है, जैसी बाढ़ आ रही है, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा शर्माओ और थोड़ा सा रहम करो दुनिया पे, और आतंकवाद को ख़त्म करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो शेयर करना मत भूलना, धन्यवाद।